हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। बिग बॉस के घर के अंदर क्यों बोला अर्चना और प्रियंका ने कि सुम्बुल मंडली डिजर्व नहीं करती थी, क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बिग बॉस के घर के अंदर सुम्बुल तौकीर खान का एलिमिनेशन सीजन का सबसे बड़ा एलिमिनेशन रहा और अब सुम्बुल के जाने के बाद आज भी लाइव फीड में सुम्बुल की चर्चा हो रही थी। शालीन और प्रियंका और अर्चना ये तीनों एक साथ बैठे हुए थे और यहाँ पर शालीन ने कहा कि शिव ने स्टैन ने मुझे ऐसी चीज़ें बोली यार जो मुझे पर्सनली बहुत हर्ट हुई, मुझे बुरा लगा। मतलब आप जो भी बोलो यार सोच के बोलो, कम से कम किसी को भी बिलो दी बेल्ट मत मारो, हर्ट मत करो। ऐसे में अर्चना ने बोला अरे ये तो किसी के नहीं है, देखा नहीं सुम्बुल के साथ क्या किया, सुम्बुल चली गई तो उसके पीछे से क्या कुछ बोल रहे हैं उसके लिए, कह तो रहे थे अरे वो तो बच्ची थी। कहाँ बच्ची थी, अगर बच्ची थी तुमने बच्ची तो माना नहीं उसे, और बच्ची मानते तो उसको बच्चे की तरह रखते, तुमने तो उससे सारे काम लिए हैं अपने और अब जब वो चली गई है तो भी उसके लिए बकवास ही कर रहे हो घर में पीछे से। ये अर्चना ने बोला प्रियंका को, जिसके बाद प्रियंका ने कहा कि देख यार 19 साल की थी है थी तो वो बच्ची ही, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मंडली ने सुम्बुल का इस्तेमाल करा, एक नंबर की तरह सुम्बुल को यूज़ करा, अपना वोट बैंक बनाया सुम्बुल के ज़रिए और पूरे शो में उसका इस्तेमाल करते करते ये लोग उसको यहाँ तक ले आए। वेल, सुम्बुल के जाने के बाद किसी की भी आंखें नम नहीं हुई, किसी को भी रिग्रेट नहीं था, किसी को भी दुख नहीं था, मंडली के किसी भी शख्स को दुख नहीं था। क्या कहेंगे आप इस पर, कमेंट्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।